नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा राम रहीम जी और उनके डेरे के बारे में। मीडिया ने बहुत ही कुछ दिखाया है बाबा जी और उनके डेरे के बारे में, तो देखते हैं कितनी सच्चाई थी मीडिया की बातों में। आइए लोगों से जानते हैं उनकी जुबानी डेरे का सच। हम आपका नाम? मेरा नाम कंचन इंसा। आपकी क्वालिफिकेशन? MA BEd बेटा। ऑक्यूपेशन? टीचर, गवर्नमेंट टीचर। अच्छा, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि सिर्फ अनएजुकेटेड पर्सन ही डेरा में जाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? बेटा ये बिल्कुल 100% झूठ है कि यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सभी किस्म के एजुकेटेड, फुली एजुकेटेड लोग आते हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है जो मीडिया में ये बात फैलाई जा रही है कि यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग आते हैं। मेरी 25 साल की जॉब है गवर्नमेंट टीचर्स, मैंने वहाँ पे अपने टीचर्स डिपार्टमेंट में भी, हमारे टीचर्स डिपार्टमेंट में भी 20% लोग जो है डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। आप इतने लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो आपको डेरा सच्चा सौदा में क्या सिखाया जाता है? बेटा आपने इतने लंबे समय से बोला है, हम तो डेरा सच्चा सौदा से 5 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। हमने डेरा सच्चा सौदा में ऐसी जो आजकल मीडिया में बातें आ रही हैं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी दरबार से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ रही है। यदि हमें इस दरबार में कुछ अच्छे, बहुत अच्छे, कुछ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे कार्य दिखते हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन सतगुरु के पावन वचनों पे चलते हुए हमारे घर जन्नत से भी, स्वर्ग से भी, जन्नत से भी बढ़कर खुशियाँ, उनकी पावन प्रेरणा पे चलते हुए हमारे परिवार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। हमें तो समझ नहीं आती कि हमने तो दरबार में ऐसा एक भी कार्य नहीं देखा भी, जिसकी कारण आज मीडिया में इतना फैलाया जा रहा है। बेटा जहाँ तक मैंने देखा है, जमाने के गुरु पीर कोई भी हुए हैं, उनको मौके की सरकार ने हमेशा हमेशा तसीहे दिए ही दिए हैं, और ताकि हमेशा बेटा यही होता रहे कि बुराई का बोलबाला होता रहा है। जहां अच्छे कार्य होते हैं, इसमें से सरकार को भी दुख हो रहा है कि नशा नहीं बिक रहा, और डॉक्टर भी इसे एंटी हैं कि कन्या भ्रूण हत्या बंद होगी। हमारे गुरु जी ने तो किन्नर समाज को भी इतना बड़ा सम्मान दिया है, गुरु जी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए पता नहीं कितनी सामाजिक बुराइयों का ख़त्म करते हुए उन्होंने इतने ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड जीते हैं, इतने ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, फिर भी पता नहीं मीडिया को ऐसा क्यों लगता है कि दरबार में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये सब बेटा जी कहने की बातें हैं। एक्चुअली में ऐसी कोई भी सच्चाई दरबार में मेरे को, ऐसी कोई भी बुराई दरबार में मेरे को कभी भी दिखाई नहीं दी। अब समाज में गुरुजी के सत्संग नहीं हो रहे हैं, तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बेटा जी इसका तो अंडरस्टूड है कि पिताजी तो 1 महीने में 5-5 लाख लोगों को एक बार से नाम शब्द दे के उन्हें बुराइयों से दूर लेके जा रहे थे, और संगत भी इतनी ज़्यादा दरबार से जुड़ रही थी। यही तो दरबार, संगत की ज़्यादा जुड़ने का कारण ही तो ऐसा हुआ है।